भगवान महादेव का पंचामृत बिल्व पत्र पुष्पों से अभिषेक तो श्रद्धालु करते ही हैं, महाकाल का चीता की भस्म से अभिषेक देखने और उसमें शामिल होने का अलौकिक अनुभव हर शिव भक्त करना चाहता है। और मौका यदि शिवरात्रि का हो तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में होने वाली भस्म आरती में बड़ी संख्या में दर्शनार्थी इसके साक्षी बनते हैं। लेकिन एक और मंदिर है जहाँ महाकालेश्वर मंदिर की तरह ही चीता की राख से भोलेनाथ का अभिषेक होता है। यह मंदिर है छिंदवाड़ा स्थित मोक्षधाम महाकाल मंदिर का। उज्जैन की तर्ज पर यहाँ भी भगवान शिव की भस्म आरती होती है। ये आरती हर सोमवार को रात 8 बजे होती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के बाद छिंदवाड़ा में यह दूसरा मंदिर है जहाँ भस्म श्रृंगार महाशिवरात्रि के दिन तो यहाँ विशेष आयोजन होता ही है। हर सोमवार को मंदिर में आरती चीता की भस्म से ही होती है। कई वर्ष से पूजा का विधान यहाँ संपन्न हो रहा है। हर सोमवार को यहाँ आरती के बाद भंडारा भी होता है। शिवरात्रि के दिन रात को होने वाली भस्म आरती में पूरा शहर यहाँ उमड़ता है। शहर में शिवरात्रि पर होने वाले बड़े आयोजनों में यह स्थान भी प्रमुख रहता है। आपको बता दें कि हर सोमवार को महाकाल मंदिर में ताजे मुर्दा की चीता से राख लाकर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है और भगवान शिव सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। इस मंदिर के बारे में बताइए। इधर 20-25 वर्षों से यह हमारे हिंदू आस्था का मुख्य केंद्र मंदिर चला जा रहा है। आज पूरे साल भर यहाँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, लोगों की मन्नतें पूरी होती है। विशेष रूप से श्रावण मास में प्रतिदिन एक नाम कीर्तन, अखंड रामायण एवं प्रतिदिन रामायण अखंड रामायण यहाँ प्रति सामान संपन्न होते चली आ रही है। महाशिवरात्रि के पर्व के दौरान पे यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा लगता है जो कि शहर ही नहीं पूरे जिले की लोगों की आस्था का चिन्ह रखता है। भगवान भोलेनाथ लोगों की मन्नतें सुनते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होती है और वे भक्त प्रतिवर्ष यहाँ एक समिति है जो पूरे वर्ष भर कार्यक्रम को संचालित करती है। महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति प्रधान ने यहाँ पूरे समर्पण भाव के साथ में यहाँ कार्य करता है। लोगों की मन्नतें पूरी होती है इसलिए यह मंदिर दिनों दिन लोगों की आस्था का केंद्र चला जा रहा है और लोग यहाँ नित्य प्रति कोई ना कोई प्रगति हमको देखने को मिलती है। आज उज्जैन के बाद में हमारा यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान भोलेनाथ की प्रति सोमवार को भस्मी से आरती होती है जिसमें पूरा शहर नगर के लोग भस्मी आरती में शामिल हो जाते हैं। इसका एक और विशेष नज़ारा हमें शिवरात्रि पर्व के दौरान देखने को मिलता है। शिवरात्रि पर्व के दौरान शिवरात्रि की रात को जो भस्म आरती होती है उसमें हजारों लोग भगवान भोलेनाथ की भस्मी आरती को देखने के लिए ललायित रहते हैं। शहर के नहीं आस पास के 2-3 जिलों के लोग यहाँ महाशिवरात्रि पर्व पर और सावन भर अपनी मंत्री मंगलें पूरी करने के लिए यहाँ भंडारे में एवं अन्य कार्यक्रम में शामिल होते हैं। भगवान भोलेनाथ उनकी मन्नतें पूरी करती है और यह हमारा मंदिर निश्चित ही आगे चलकर एक मध्य प्रदेश में नहीं देश में एक विशेष आस्था का केंद्र बनेगा। जय जय महाकाल। आपके आपके यहाँ जो भस्म चढ़ती है वो कैसे बनाते हैं? भस्म प्रतिदिन ताजे मुर्दे की होती है और उसमें एक विशेषता ऐसी होती है कि सिर्फ एक ही मुर्दे की भस्मी नहीं चढ़ाई जाती। सोमवार के दिन इतने मुर्दे रहेंगे, सारे मुर्दों की राख यहाँ पर जलाई जाती है ताकि जो भी हमारा व्यक्ति मरा हुआ है उसकी सदुपयोग भगवान भोलेनाथ की राख को चलाएगी, उसका निश्चित कल्याण होगा, मोक्ष को प्राप्ति होगी। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग कल्याण करें, सभी लोग मोक्ष को प्राप्त हो। आपका नाम? सतीश दुबे लाला।